शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग खान कहे जाते हैं, बादशाह कहे जाते हैं। अपनी एक्टिंग से, अपनी कुछ ऐसे अभिनय से जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी फिल्मों में आज तक निभाए हैं। जितना लाइमलाइट में अपने काम से आज तक रहे हैं शाहरुख खान, अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी रहे हैं, जिनमें आते हैं उनके लव अफेयर्स। और आज यही लिस्ट हम आप सभी के सामने अपनी इस रिपोर्ट में लेकर आ गए हैं। बताने वाले हैं आप सभी को कि शाहरुख खान ने आखिर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी चार्म से और अपने रोमांस से सभी को ढेर कर रखा है, वो रियल लाइफ में भी काफी अदाकाराओं को अपना दीवाना बना चुके हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम लेते हैं साल 2017 में फिल्म रईस के अंदर शाहरुख खान के साथ नजर आने वाली पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान। जी हाँ, माहिरा खान जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने खूब नाम रोशन किया है और उनका अभिनय हमेशा ही सभी को पसंद आया है। वहां की वो टॉप की अदाकारा है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश की। साल 2017 फिल्म रईस में शाहरुख खान के साथ दिखाई दी। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में फिर उसके बाद उन्हें काम नहीं मिल पाया किसी कारणवश। लेकिन जो शाहरुख खान के साथ उन्होंने काम किया, इस वजह से वो लाइमलाइट में भी आई, क्योंकि शाहरुख खान के साथ उनके रोमांटिक सीन की वजह से जो रियल लाइफ रोमांस पैदा हो रहा था वो उन्हें सुर्खियों में लेकर आया। लेकिन मायरा उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस गई। पाकिस्तान के जितने भी कलाकार थे उन्हें बॉलीवुड में उसके बाद काम नहीं दिया गया और इसी वजह से मायरा और साथ ही शाहरुख खान का रिश्ता खत्म हो गया। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब इस लिस्ट के अंदर नाम जुड़ जाता है प्रियंका चोपड़ा का। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा डॉन फिल्म के अंदर उनके साथ काम कर चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान का हाथ थामकर आगे बढ़ना चाहती थी और उनके साथ जब काम कर रही थी तब इन दोनों की नजदीकी आंखें पड़ने लगी थी। और कहा तो ये जाता था कि शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे प्रियंका चोपड़ा को, चाहे पार्टीज में हो चाहे फिल्मों में ही क्यों ना हो। और अगर कहीं प्रियंका इनवाइट नहीं होती थी तो शाहरुख खान अपने साथ ही उन्हें लेकर चले जाते थे। ये बात धीरे धीरे गौरी खान यानी कि शाहरुख खान की पत्नी को पता चलने लगी, जिस वजह से उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया। शाहरुख खान को उन्होंने धमकी दी, फैमिली के टूट जाने की बात कही और शाहरुख खान थोड़े संभल गए। प्रियंका चोपड़ा के साथ उन्होंने सिर्फ अपना रिश्ता खत्म नहीं किया था बल्कि उनके साथ उन्होंने हमेशा के लिए बातचीत भी बंद कर दी और आज तक ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता उनका टूटा था जूही चावला के साथ भी, जो बाद में दोस्ती भी बना। जी हाँ, कहा जाता है काफी फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद जूही चावला के साथ उनके रिश्ते बनने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ चुके थे लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जिस वजह से ये रिश्ता टूटा। लेकिन आज इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो वहीं IPL की एक टीम भी इन्होंने साथ में ही खरीदी है और उसे बहुत बखूबी ये निभा रहे हैं अपनी दोस्ती के साथ। और अब दूसरा नाम लिया जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि गौरी खान का आता है। जी हाँ, गौरी खान सिर्फ 14 साल की थी जब शाहरुख खान उनके प्यार में पड़ चुके थे। शाहरुख खान के पास ना घर था ना पैसा था और परिवार बनाने की उन्होंने ठान ली थी। ठान चुके थे वो ये बात कि गौरी से उनकी शादी होगी। लेकिन गौरी के घर जब वो रिश्ता लेकर पहुंचे तो फैमिली वालों ने तो कह दिया कि बेटा तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम अपनी बेटी आखिर तुम्हें कैसे दे देंगे, क्योंकि गौरी खान का परिवार काफी अमीर परिवार था और शाहरुख खान ये बात ठान चुके थे वो सुपरस्टार बन जाएंगे, गौरी खान को अपना बना लेंगे। और उन्होंने अपना यह सपना पूरा किया भी। गौरी के साथ हंसी खुशी इतने सालों से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं और 3 बच्चे भी इनके हैं। लेकिन अब आखिरी नाम किसका आता है, कौन है गौरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शाहरुख खान की जिंदगी में, वो कोई और नहीं काजोल है। काजोल के साथ बाजीगर DDLJ और साथ ही तमाम फिल्में शाहरुख खान ने की है। लेकिन इन फिल्मों को करते करते इन दोनों के बीच प्यार भी कहीं ना कहीं पैदा होने लगा था, दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी थी। और इसी वजह से अजय देवगन जो प्यार में पड़ चुके थे काजोल के, जिनके साथ काजोल लव रिलेशन में भी थी, उन दोनों के रिश्ते थोड़ी हद तक टूटने लगे थे। लेकिन वक्त संभलते संभलते शाहरुख भी संभल गए, काजोल भी संभल गई और ये दोनों ये बात जान गए कि शाहरुख शादीशुदा हैं गौरी खान के साथ और काजोल अजय देवगन के साथ शादी करने वाली है। इसी वजह से ये दोनों अलग हुए और दोनों ने अपनी राहें अलग करी, सिर्फ प्यार की, दोस्ती की नहीं। ये आज भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड कहलाए जाते हैं और हमेशा ही रहेंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट जिसमें हमने आपको बताया शाहरुख खान के अफेयर्स के बारे में। क्या कहना है आप सभी का इस बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।